हेल्थ इंडिया और हम वापस आ गए हैं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ एटीएन एक्सप्रेस से। 17 जून को पीएम करेंगे संवाद। कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर हो सकता है बड़ा फैसला। दिल्ली में कोरोना मामले पर सरकार गंभीर। गृह मंत्री शाह, स्वास्थ्य मंत्री एलजी और सीएम की कल होगी बैठक। कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामले से बिहार सरकार परेशान। स्कूल कॉलेज को बंद रखने का दिया आदेश। पूर्व पाकिस्तान कप्तान शाहिद अफरीदी पाए गए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शाम 4 बजे भाजपा वर्चुअल रैली का किया आगाज। रैली के तहत तकरीबन 25 लाख लोगों से किया संवाद। बिहार के मुख्यमंत्री का ऐलान, कहा अगली बार सरकार बनी तो हर खेत को मिलेगा पानी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के पूर्ववर्ती छात्रों ने सीमांचल के मजदूर को किया फ्लाइट से रवाना। कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी, किशनगंज आदि जिलों से करीब 180 श्रमिक पहुंचे पटना। झारखंड में कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकारी स्कूल के शिक्षकों को देना होगा ऑनलाइन टेस्ट। टेस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे ऐप डाउनलोड करना होगा अनिवार्य। आईआरसीटीसी ने किया ऐलान, स्थायी रूप से बंद रहेगी टिकटिंग सेवा। शनिवार की आधी रात से कुछ घंटे के लिए बंद रहेगी ऑनलाइन टिकट बुकिंग। बीसीसीआई ने 6 महीनों में दूसरी बार जिम्बाब्वे दौरा किया रद्द, कोच ने जताया दुख। झारखंड में मॉनसून ने दी दस्तक, कई जगहों में झमाझम हुई बारिश। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपको एटीएन लाइव इंडिया पसंद आ रहा होगा और अगर इस आप चाहते हैं हम इसको और भी अच्छा बनाएं तो उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। फॉर दैट यू जस्ट हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।